डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो नंबर का जो वो होगा वैल्यू होगा वो उसके अंदर मैं कहाँ से डाल रहा हूँ, टैक्स बॉक्स जो है पहला वाला ऊपर जिसका नाम मैंने टैक्स बॉक्स माई नम किया हुआ है, और एज के अंदर मैं वैल्यू कहाँ से डाल रहा हूँ, दूसरा जो टैक्स बॉक्स मैंने फॉर्म पर रखा था टैक्स बॉक्स एज के नाम से उससे कंडीशन मैंने लगाया, अगर जो नंबर है ऊपर फर्स्ट खाने में 100 से ऊपर है और उम्र 60 से ज्यादा है तो क्या करो, तो देन तो क्या करो, कंग्रेचुलेशन यूजोन दे दो। ठीक है, ये तरीके का होता है उस अपने लेबल के ऊपर। ये एक मैंने लेबल बनाया, इसका नाम मैंने दिया मैसेज, अभी ये फॉर्म पे नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है, यहाँ पे ये लेबल है, इसको अगर मैं यहाँ कर लूँ विजिबल, वो जो मैंने पहले आपको बता दें ना इसका वेरिएबल का नाम, विजिबल करने के लिए क्या करूंगा मैं, विजिबल करने के लिए इसको सिंपल करूंगा, क्या कोई बताए मुझे, चलो आप बताओ, नाम आपके सामने है इसका ऑब्जेक्ट का, मैसेज वन एक वो है ऑब्जेक्ट है, इसको विजिबल करना चाहता हूँ मैं फॉर्म पे, क्या करूंगा प्रोग्राम के अंदर कोडिंग के थ्रू, बताओ मुझे, यहाँ पे एक लेबल मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे आ रहा है वो अभी नजर नहीं आ रहा, अगर इसको मैं शो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कोडिंग में, मैं अगर करना चाहूँ हाँ कोशिश करो, गिव योर सेल्फ अ ट्राई, डजंट मैटर व्हाट यू से, देखो देखो वही बता रहा हूँ मैं, सुन लो वही काम कर रहे हैं जो करते हुए आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम उसकी प्रॉपर्टी, हर जगह पे यही दो चीजें चल रही होती, फिर आगे मजीद उसमें इक्वल टू जो कर रहे हो उसके साथ उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट भी आपको पता है क्या है, आपका फॉर्म भी ऑब्जेक्ट है, आपका बटन भी ऑब्जेक्ट है, टैक्स बॉक्स इसको भी आप एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, फिर इनके प्रॉपर्टीज कौन कौन से, यही है ना आपके प्रॉपर्टीज कौन से, ये विजिबिलिटी और ये उसका टेक्स्ट है या जो भी है, फिर इनके बिहेवियर्स क्या है, डिलीट करना, क्लियर करना, रिमूव करना, चेंज करना, कलर, ये पैटर्न जेन में जी अब वो तो आगे चलते हैं, मैं सिर्फ इसको लेबल विजिबल करने का, आप इधर क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट लोग ऑब्जेक्ट का नाम लोगे, मतलब यहाँ मैं लेबल नहीं लिखूंगा, इसका नाम मैसेज डॉट वन डॉट विजिबल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिफाइन की उसकी अपनी है, प्रभाव ने दी विजिबल इक्वल टू क्या करेंगे इसको, मैसेज वन डॉट विजिबल, मैसेज वन क्या आपका लेबल है डॉट, उसको विजिबल करो इक्वल टू क्या, कब करेगा ट्रू, क्यों ये नहीं समझता कि ट्रू और फॉल्स ये दो ऑब्जेक्ट है, अब इक्वल टू कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा इसको, विजिबल करो लेकिन बिल्कुल पैटर्न से प्रोग्राम की इसकी कोडिंग होती है, ये नहीं होता कि डॉट विजिबल लिख दिया वो हो जाएगा, विजिबल एक स्टेट है, एक स्टेट है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये लॉजिकल चीजें हैं, विजिबल एक स्टेट है, हम तो आम जनरल उसमें तो विजिबल कहते थे कि जी नजर आना, लेकिन ये एक स्टेट है, नजर आने में अब वो नजर तो आ रहा है, वाजे है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स, यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है, तो ये लॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी काफी चीजें होती है, तो ये कंडीशन में लगा दी, अब मैं इसको रन करता हूँ मैं, और मैं पहले क्या करता हूँ इसको 100 दे देता हूँ और इसको 60 देता हूँ, सॉरी 600, ठीक है, क्यों क्यों नहीं हुआ, कंडीशन में क्या है, मैं इसको भी नीचे करता हूँ, इसको भी देखो आप बताओ मुझे, जमहूरियत है सब बता सकते हैं, आपको नहीं लगता कि इसको वो होना चाहिए, कंग्रेचुलेशन होना चाहिए, सॉरी क्यों दे रही है, क्योंकि 100 और 60 डाला है मैंने, लेस देन कहाँ है, ब्रैकेट का मुंह देखो कहाँ है, ज्यादा रखना है, ग्रेटर रखना है, तो ग्रेटर नहीं 100 से, हमने 100 ही डाल दिया, ठीक है, अगर मैं इसको चलो 101 कर दिया, ग्रेटर हो गया ना भाई, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, अब अगर करता हूँ अब भी फॉल्स है, क्योंकि सेकंड अब एंड है, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसमें वो कंडीशन ही यही है कि भाई दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों साइड इसको हमें 61 करना पड़ेगा, अब हमारे पास ये भी ग्रेटर हो गया, ये भी ग्रेटर हो गया, ये भी
ठीक है, सही हो गया। सिंपल प्रोग्राम में प्रैक्टिकली करके देखा हमने, कोई मतलब हमने बड़ा वो नहीं बनाया, क्या कहते हैं, कोई स्कूल मैनेजमेंट का या इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। जब इंशाल्लाह आप लोग बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा ये कि चीज़ें आपको पहले कवर को सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे ये क्लिप जिसको कहते हैं ना, छोटे क्लिप, एक दो मिनट वाले क्लिप, ये एक दो मिनट वाले क्लिप हैं समझ लो। ओके हो गया, अभी चलें आगे दूसरे उस पर चेकबॉक्स की तरफ, उसका प्रैक्टिकल कराता हूँ फिर आप, बल्कि वो आप मुझे बना के दो, मैं ये ओपन करके जाऊँगा, आप बना के दो, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको समझो क्या है। ठीक है, नज़र आ रहा है? ओके, लास्ट टॉपिक है, कोई इशू नहीं है, इस पर हम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे जो अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा चेकबॉक्स है, ये वही चेकबॉक्स है जो हम वहाँ अपने कहाँ पे करते थे जी, HTML का, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, चेकबॉक्स अलाउ क्या करता है, ये यूजर टू सेलेक्ट वन और मोर आइटम्स। चेकबॉक्स की खूबी ये है कि कुछ जगहों पे आप यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम डिमांड, आपके सॉफ्टवेयर की डिमांड के हिसाब से चेकबॉक्स कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करोगे आप, जहाँ पे आप चाहोगे कि एक से ज़्यादा जो यूज़र है वो चॉइसेस करें, पिक्स करें, मतलब एक से ज़्यादा पिक, ठीक है, तो वहाँ पे हम चेकबॉक्स यूज़ करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये इसमें क्या है, इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको फॉर्मेट में होम पेज पे वर्डपैड पे याद आ रहा है, फॉन्ट का जो फॉर्मेट खुला था, यहाँ भी यहाँ ओपन करके दिखाऊं, जहन में आ रहा है, रिकॉल कर रहे हो, वहां पे स्ट्राइक था और कुछ और फंक्शंस थे, रूल्स और ये सुपर सब और ये सारे आ रहे थे, याद है? वो क्या है, वो भी ऐसी वीबी पे या सी शार्प पे छोटा सा बनाया हुआ एक फॉर्म ही है, उन्होंने चेक्स लगाए हुए हैं, उसके पीछे कंडीशन दी हुई है, अगर बंदा यहाँ से वो स्ट्राइक लगाए तो उसने जो लिखा है उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाए, बंदा यहाँ से सब लगा है जो टैक्स उसने सेलेक्ट किया है वो सब हो जाए, सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, तो यही चीज बता रहे कि एक से ज्यादा चेक पे वो काम करे। अच्छा ठीक है, ये वही अभी मैंने बताया, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। यू मे क्रिएट अ शॉपिंग कार्ट, ऐसी शॉपिंग कार्ट कौन से, ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, वेयर द यूजर कैन क्लिक ऑन चेक बॉक्सेस दैट कोरिस्पोंड टू द आइटम दे इंटेंडेड टू बाय, द टोटल पेमेंट कैन बी कंप्यूटेड एट द सेम टाइम। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है इसका, सिंपल ये देखो, और लेकिन इसका इमेज मैंने आगे दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करें, पहले आपको इसका इमेज देख लो, ये एक शॉपिंग कार्ट बनाया मैंने, डॉलर्स में इसके साइन लिए हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, सारे आइटम्स लिए हैं मैंने, ये सिंपल यहाँ पे लेबल देना है, और जो आप चेकबॉक्स लोगे उसका प्रॉपर्टीज में से वैसे ही बनाया ना चेकबॉक्स, वहां से उसके नाम ऐड करने हैं आपको। ठीक है, और ये छह आप ऑब्जेक्ट रखोगे, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसको चेंज करोगे फिर कोडिंग उसी हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि ये कोडिंग जो है ना इसी इसके नाम के हिसाब से दिया हुआ है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल ले लो या टेक्स्ट बॉक्स ले लो, वो यहाँ पे डिफाइन किया है, ये वैल्यू उसको यहाँ से टोटल कर रहा है और यहाँ से उसको कैलकुलेट भी कर रहा है, दो काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे सही तरह से कंडीशनल, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं वो हो रहा है यहाँ पर। एक से एग्जाम्पल को देख लिया इमेज को आपने, अब इसको समझने के लिए तैयार हो, क्या हो रहा है ये, मैं बार बार इस पर आऊँगा जाऊँगा, कोई डजन मैटर। देखो कॉन्स्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि क्यों लिया आप बताओ मुझे, मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों लिया, मैं इंटीजर ले सकता था, ये जो साइजेस हैं अब जो भी हैं, क्यों लिया मैंने वो वेरिएबल, क्यों डम क्यों लिया, ठीक है फिक्स है कुछ जगहों पे, इसी वजह से दोनों दो चीजें हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, इसीलिए मैंने कहा कुछ जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी हम वेरिएबल करेंगे, कुछ जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ वेरिएबल नहीं, हमें मस्ट कांस्टेंट यूज करना, तो यहाँ पे प्राइसेस फिक्स होती है, क्योंकि पता चले हम इसको वेरिएबल ना रखें कहीं पे वो एक ही चीज 100 रुपए की बिक रही है, वो इन्वेंट्री में वो सेव हो रहा है, वो मसले होंगे क्या होगा जब ऑडिट होगा तो फंस जाएंगे, यार ये क्या है 100 वाली चीज है, कहीं पे 120 ली हुई है, कहीं पे 200 ली हुई है, तो इस वजह से प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक आइटम, दो आइटम, तीन, चार, पांच, छह आइटम थे, तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, वो आईटी से रिलेटेड लेजर जेट और वो कैनन कैमरा, वो आप कुछ भी दे लो उसको, चारों के हमने पहले प्राइस
यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, वैल्यू भी डाल रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ, सिर्फ कॉल अभी तक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने छह यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, सॉरी कॉन्स्टेंट लिए, उसके वैल्यू भी डिक्लेयर करके उसके वेरिएबल दिए। दूसरा तरीका कौन सा है इसका, मुझे यहाँ बताओ जरा, कोमा देकर। ठीक है, कोमा देकर भी आप कर सकते हो, कॉन्स्टेंट को भी, हाँ चेक कर लेना, तसल्ली हो जाएगी। दूसरा, फिर हमने एक इंटीजर लिया, कौन सा वेरिएबल का सम, सम क्यों हमने उसको वेरिएबल किया है, सम को क्यों लिया, इसको भी कॉन्स्टेंट ले सकते हो, क्यों लिया सम को, कैसे, अमाउंट है, चेंज होगा ना, टोटल है ना, सम तो टोटल है, टोटल एक जैसा नहीं आएगा ना। अब छह आइटम में से कोई दो ले लेगा उसका सम कुछ और आएगा, कोई छह के छह लेगा उसका सम कुछ और आएगा। अगर मैं इसको डिम के बजाय कॉन्स्टेंट सम करूं तो जो जो पहले से है पहला वैल्यू हर मरतबा वही सेव करता है इंटरव्यू में, जब फाइनेंस वाले रिपोर्ट रन करेंगे वो परेशान आप पकड़ के बजाय यार छह बंदे छह चीजें लिए उसने वही टोटल है, एक चीज लिए वही टोटल ये चल गया है, तो प्रोग्राम आप जो बना रहे हो उसमें एक ही चीज को देखना पड़ता है पहले। समझ में आ रही है बात, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आपके लिए इजी हो, उसको बर्डन नहीं हो जहन में, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूँ अभी तक। सही है, अब चले आगे, क्या चीज, ये प्रोग्राम, ये वीबी के अंदर विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो जो अभी मैंने ओपन किया था ना, जो सॉफ्टवेयर जिसपे अभी मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ रन किया, विजुअल स्टूडियो अभी 2019-20 भी आ चुका है, मैंने 13 इंस्टॉल कराया हुआ है, चाहे कंपेटेबल हो आपके पास, और सिस्टम जिसके पास लो एंड वो है, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सी शार्प है, ASP है, जावा है, ये सारे प्रोग्राम्स इस पूरे पैकेज के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। जितने भी आप मार्केट में सॉफ्टवेयर देख रहे हो, जैसे वर्ड है, MS वर्ड है, जितने भी सॉफ्टवेयर से आप काम कर रहे हो वो किसी न किसी प्रोग्राम के ऊपर बनाया गया है, कोई सी शार्प पे, कोई VB पे, कोई आपके इसमें ASP पे। ठीक है, यहाँ वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन हैं, तो वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बने होंगे ना, तो ये वो प्लेटफॉर्म